नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को HDMS Help YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि LPG हम जो बना रहा है LPG वो होस जो होते हैं होस पाइप से अलग होस पाइप से कैसे आप जो है नया कनेक्शन जोड़ेंगे, और जो हीरो दिखा रहा है देयर इज एक्टिव नो प्रोडक्ट, और भी बहुत सारे हीरो दिखा रहा है, इस हीरो को भी फिक्स करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले आप सभी को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका NFR पोर्टल से जो है पुराना पोर्टल से नया पोर्टल में HDMS में जो है आपको प्रोडक्ट शो करना चाहिए। आपका अगर 1.2 मीटर का जो PMI का जो होस पाइप होता है उससे आप डोमेस्टिक जो पेएबल कंज्यूमर है उनको आप नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो आपको जो है 1.5 मीटर का उसके लिए अलग से जो 1.5 मीटर का जो बे आता है होस पाइप आते हैं उसका स्टॉक आपके HDMS में जो स्टॉक में करंट स्टॉक में शो करना चाहिए, तभी जो है आप नए कनेक्शन इशू कर सकते हो। और जो हीरो आ रहा है हीरो को फिक्स जिनके पास है पहले से स्टॉक HDMS में स्टॉक है डेढ़ में 1.5 मीटर का तो उनका नहीं हो रहा है, तो जो हीरो दिखा रहा है उस प्रॉब्लम का मैं फिक्स सॉल्यूशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों मैंने एक कंज्यूमर का KYC करके रखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने उसका डिटेल्स खोल लिया। उसके बाद इसका मैं डिटेल्स में दोस्तों एक्रॉस काउंटर करके दिखा दूंगा अभी के, क्योंकि मुझे अभी SV इशू करना है इसका, तो मैं स्क्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद एक्रॉस काउंटर कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ 14 kg विथ PR। और दोस्तों आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक सर्विस एरिया जो है वो चूज़ करना होगा, तो मैं सर्विस एरिया भी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल एस कर लेना है। तो दोस्तों कंट्रोल एस जैसे करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं NIC या वेटेड वार जो है OMC पेंडिंग है, OMC जब क्लियर कर देगा तो इसका इशू हम कर सकते हैं। तो जस्ट कुछ ही एक मिनट वेट करने के लिए बोलेगा सिस्टम में, तो दोस्तों उसके बाद एक मिनट के बाद आप सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो OMC क्लियर हो गया है एक मिनट के बाद। तो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स टैब पर आ जाना है, और आप अगर डेट ऑफ रिस्पांस देखना चाहते हैं कि कहीं पर भी आधार डुप्लीकेट है क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर आप प्लस कर लेना है डॉक्यूमेंट्स में। और वाटर टाइप मेन्यू कनेक्शन CSV सिलेक्ट कर लेना है, और दोस्तों जो ऑर्डर सब टाइप होता है उसमें आपको न्यू कनेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। न्यू कनेक्शन जैसे सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स नंबर पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नंबर पर जैसे क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट में आपको क्लिक कर लेना है। डिफ़ॉल्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट LPG हो जाते थे, पहले भी आता था ऐसे ही, लेकिन आप जो है डिलीट का ऑप्शन उसमें एनेबल रहता, लेकिन इसमें देख सकते डिलीट के ऑप्शन में एनेबल नहीं है। तो दोस्तों मैं DCC का सीरियल नंबर PR डिटेल्स सारे कुछ जो है यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने DCC डाल दिया, उसके बाद PR का जो मेक कौन सी कंपनी ने किया और ईयर मंथ भी डाल देता हूँ फटाफट से। मैंने ईयर डाल दिया, उसके बाद मंथ भी डाल दिया, उसके बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पर होस्ट का भी मैन्युफैक्चरर कौन है इसको आपको डाल देना है। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरर LPG होस्ट का जो मैन्युफैक्चरर है और कब मैं किया है ये सारी डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेगा, तो कहाँ मिलेगा ये सारी चीज़ मैं आपको एक सैम्पल भी दिखा देता हूँ। तो आप जो यहाँ पर देख सकते हैं यार मंथ और जो कुछ भी चाहिए यहाँ पर आप होस्ट का डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं मैन्युफैक्चरर का शॉर्ट फॉर्म में आपको डाल देना है, तो मेरा जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसका नाम है MBS, तो मैं यहाँ पर डाल दिया MBS। उसके बाद आपको जो है यार मंथ भी डाल देना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और ओके करने के लिए बोलेंगे। दोस्तों मैंने PR का सीरियल नंबर देने नहीं दिया, छूट गया है मुझसे, तो मैं सीरियल नंबर भी डाल देता हूँ PR का। तो दोस्तों ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं PR का सीरियल नंबर यहाँ पर खाली है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ PR का सीरियल नंबर। तो दोस्तों फिर PR का सीरियल नंबर डाल दिया मैंने, उसके बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हीरो आ रहा है
प्लीज़ रिप्लेस NFR आइटम विथ एक्चुअल प्रोडक्ट और इनएक्टिव लाइन आइटम। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे या सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाइए, जो लाइन आइटम में यहाँ पर आपको एक पिक एप्लेट दिखाई देगा LPG हाउस में। आपके पास अगर NFR का पोर्टल का जो प्रोडक्ट स्टॉक में है तो आप जो है सिंपली ऐसे सिलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये सबमिट हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद इनवॉइस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इनवॉइस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनवॉइस स्टेटस को आपको कंप्लीट में बदलना है, जैसे नॉर्मल आप बदलते हैं। और दोस्तों मैं बिल भी दिखा देता हूँ कि इसमें LPG होस आया है कि नहीं। तो दोस्तों उसके बाद आप जो है लाइन आइटम में जाके SB का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैं SB का प्रिंट यहाँ पर निकाल सबमिट कर देता हूँ। रिपोर्ट टैब में जाके कंट्रोल ए करके आप जो है सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर कुछ ही सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है SB। तो दोस्तों मैं SB भी ओपन करके आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप नीचे की तरफ जो है आप बिल देख सकते हैं। तो बिल में नीचे की तरफ देख सकते हैं MBS का जो 1.5 मीटर का एक होस ऐड हुआ है, जिसका प्राइस है 119 रुपीज़। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आप LPG होस का जो प्रॉब्लम है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, और आप जो है नया कनेक्शन LPG होस्ट के साथ कैसे जो है नया कनेक्शन इशू कर सकते हैं जान लिए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों और एक बात, आपने अगर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से सिंपली ज्वाइन हो सकते हैं लिंक में क्लिक करके। बाय बाय, टेक केयर।